हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो नंबर 4 में प्रीपोजिशन के प्रयोग के विषय में, यानी जो मुख्य प्रीपोजिशन है उनका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। 5वें नंबर पर आफ्टर और इन का प्रयोग कैसे किया जाता है। आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्य काल में समय को प्रदर्शित करने के लिए आता है, यानी आफ्टर भूतकाल में यानी अतीत में और इन भविष्य काल में समय को प्रकट करने के लिए आता है। जैसे योर सन केम आफ्टर ए मंथ पास्ट, यानी तुम्हारा पुत्र एक महीने के बाद आया, यह अतीत का पास्ट टेंस में है, यानी यह आफ्टर पास्ट टेंस में समय दिखा रहा है। दूसरा माय फादर विल कम इन ए मंथ, मेरे पिताजी एक महीने में आएंगे, यह फ्यूचर टेंस दिखा रहा है। मतलब सामान्यतया आफ्टर पास्ट टेंस में समय दिखाता है और इन फ्यूचर टेंस में समय दिखाता है। टू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। टू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। टू का अर्थ को तक होता है, हिंदी में टू का अर्थ को, कहीं कहीं को, कहीं तक होता है। जैसे आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock, आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock, मैं घर पर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहूंगा। टू का मतलब ऐसा, अधिकांशतः टू का प्रयोग फ्रॉम के साथ ही होता है समय प्रदर्शित करने के। ही वेंट टू कॉलेज एट 10 by 11, देख रहे हैं जहां जाएंगे उसके पहले टू लगता है और जहां से प्रस्थान करेंगे, जो स्थान छोड़ेंगे उसके पहले फ्रॉम लगेगा। नंबर 7 विथ और बाई का प्रयोग, विथ किसी इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र को प्रदर्शित करता है, यंत्र को दिखाता है। विथ किसी यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को प्रदर्शित करता है, जैसे चाबी से ताला खोला, आई ओपेंड द लॉक विथ ए की, जिसका प्रयोग किसी कार्य करने में किया जाता है। कार्य या उस यंत्र की तरफ प्रदर्शित करता है जिसका प्रयोग किसी कार्य के करने में किया जाता है। और बाई करने वाले यानी एजेंट या डूअर के लिए आता है। बाई जो है काम करने वाले एजेंट या डूअर के लिए आता है। जैसे ही वाज फील्ड बाय ए रॉबर, ही वाज किल्ड बाय ए रॉबर, ही वाज किल्ड बाय ए रॉबर विथ ए गन, वो बंदूक की सहायता से डाकू के द्वारा मारा गया। ही वाज किल्ड बाय ए रॉबर विथ ए गन, वो बंदूक की सहायता से डाकू के द्वारा मारा गया। दूसरा The letter was written by him with a ball pen. The letter was written by him. उसके द्वारा पत्र लिखा गया with a ball pen, ball pen की सहायता। By के अन्य प्रयोग जरा देखिए। He sat by me, वो मेरे पास में बैठा है। यहाँ by का मतलब पास। I shall return by 4 o'clock, मैं 4 बजे तक लौटूंगा, यहाँ by का मतलब तक। ही इज ब्राह्मीण बाय कास्ट, वह जाति से ब्राह्मीण है, यहाँ बाय का मतलब से। अगला है बिसाइड और बिसाइड का प्रयोग, केवल एक अक्षर का अंतर है बिसाइड और बिसाइड। बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ, बिल्कुल नजदीक बगल में। बिसाइड का मतलब है कि बिल्कुल नजदीक पास में। जबकि बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू के अतिरिक्त। बिसाइड का मतलब बिल्कुल नजदीक के पास में बगल में, और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त। जैसे योर काउ इज ग्रेजिंग बिसाइड माय फील्ड, तुम्हारी गाय
मेरे खेत के बगल में चर रही है, पास में चर रही है, बिसाइड माय फील्ड। योर काउ तुम्हारी गाय इज ग्रेजिंग बिसाइड माय फील्ड, तुम्हारी गाय मेरे खेत के बगल में चर रही है। अब यहां देखिए दूसरे में, बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त, आई वांट टू अदर बुक्स, इसके अलावे, इसके अतिरिक्त मुझे दो और पुस्तकें चाहिए। अब ये बिटवीन और एमांग का प्रयोग, दोनों का मतलब हिंदी में बीच में होता है, बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। बिटवीन का प्रयोग दो के बीच कुछ बांटना हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, प्रेम हो, जो भी हो, दो के बीच हो तो बिटवीन का प्रयोग होता है, और संख्या दो से अधिक होती है तो एमांग का प्रयोग होता है। इट इज बिटवीन यू एंड मी, यह तुम्हारे और मेरे बीच है। एमांग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। एमांग का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक वस्तु, यानी तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो वहां बीच में की अंग्रेजी एमांग आती है। डिस्ट्रीब्यूट बांट दो, दीज मैंगोज इनाम को बांट दो, एमांग दी बॉयज ऑफ योर क्लास, अपने कक्षा के बच्चों के बीच इस आम को बांट दो। अब कक्षा में संख्या मान लीजिए कि तीन से अधिक है, कक्षा में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो दो के बीच के लिए बिटवीन, दो से अधिक की संख्या के लिए एमांग। दसवां फ्रॉम फार सिंस का प्रयोग, हिंदी में इन तीनों का अर्थ से होता है, फ्रॉम का भी, फार का भी, सिंस का भी, हिंदी में तीनों का अर्थ से होता है। फार समय की अवधि का, फार जो है समय की अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम बदलाता है। फार जो है समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम बदलाता है। जैसे सी हैज नॉट सीन मी फॉर द लास्ट वन वीक, अनिश्चित समय इसलिए फार लगा हुआ है, फॉर द लास्ट वन वीक, वह मुझसे पिछले एक हफ्ते से नहीं मिली है, सी हैज नॉट सीन मी फॉर द लास्ट वन वीक। दूसरा ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस सैटरडे लास्ट, पिछले शनिवार से वह बुखार से पीड़ित है। यानी समय की अवधि के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगाएंगे, और निश्चित समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है, फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है, परंतु फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर सभी टेंसेज में होता है। सिंस और फार का प्रयोग समय के लिए आप जानते हैं परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें होता है। मुख्य रूप से यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है फार और सिंस का, लेकिन कारा फ्रॉम जो है इनको छोड़ करके अन्य टेंसेज में पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, परंतु फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर सभी टेंसेज में होता है। साधारणतया इसका प्रयोग टू के साथ होता है, प्राय फ्रॉम का प्रयोग टू के साथ होता है। जैसे ही वाज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, ही वाज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, वह सोमवार रविवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक बीमार रहा। द समर सीजन बिगिंस फ्रॉम अप्रैल, ये देख रहे हैं निश्चित समय है, द समर सीजन गर्मी का मौसम अप्रैल से शुरू होता है। ग्यारहवा ओवर तथा एवक का प्रयोग, दोनों का मतलब ऊपर होता है, एवर ओवर तथा एवक का प्रयोग, इसका अर्थ है ऊपर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर लंबवत होती है,
जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर ठीक लंबवत रूप से होती है तो ओवर का प्रयोग होता है, और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो होती है परंतु लंबवत नहीं होती, दाएं भी होती है बाएं भी होती है लेकिन लंबवत न हो, उसे एवव का प्रयोग करते हैं। कारण जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ठीक लंबवत होती है तब तो ओवर लगाइए, और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है लेकिन लंबवत नहीं होती है तो वहां एवव लगाइए। जैसे देख लो स्काई इज एवव आवर है, नीला आकाश हमारे सिर के ऊपर है, तो यहां भी है इधर भी है उधर भी है, तो नीला आकाश हमारे सिर के ऊपर, दी ब्लू स्काई इज एवव आवर हेड। दूसरा प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, हवाई जहाज मेरे सिर से उड़ गया, ओवर माई मेरे सिर के ऊपर से उड़ा तो लंबवत उड़ा। अब आइए बारहवां बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग। बिहाइंड पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे, हे डेड नॉट लुक बिहाइंड वाइल्ड रनिंग, वह दौड़ते हुए पीछे नहीं देखा, है ना, पीछे मुड़कर नहीं देखा। दी डॉग वॉक्स बिहाइंड दी मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है, पीछे यानी बिहाइंड का मतलब पीछे, आफ्टर का मतलब के पीछे के बाद, है ना, उसका मतलब He did not look behind while running, दौड़ते समय उसने पीछे नहीं देखा। और दूसरा था the dog walks behind its master, कुत्ता मालिक के पीछे पीछे चलता है। अब कह रहा है आफ्टर के पीछे बाद में, the policeman ran after the thief, सिपाही चोर के पीछे भागा। तेरा हुआ है अबाउट बारे में या लगभग, अबाउट बारे में या लगभग, टॉक मी अबाउट आनंद, करेक्ट टॉक मी अबाउट आनंद, मुझे आनंद के विषय में बात करो। दूसरा इट इज अबाउट 5 o'clock, लगभग 5 बजा है, इट इज अबाउट 5 o'clock लगभग के। चौदहवा थ्रू, थ्रू का मतलब में होकर या के हाथ, में होकर या के हाथ, थ्रू ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से होकर गुजरा, ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से होकर गया। द लेटर वॉज सेंट थ्रू ए पुयम प्यून, द लेटर वॉज सेंट थ्रू ए प्यून, चपरासी के द्वारा पत्र भेजा गया। अब लास्ट है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब की दूसरी ओर या परे, की दूसरी ओर या परे। माय विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, मेरा गांव पहाड़ी के उस पार है, बियॉन्ड का मतलब के उस पार, के दूसरी ओर, मेरा गांव पहाड़ी के दूसरी ओर है, माय विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स। इस तरह से आप कुछ प्रमुख प्रीपोजिशंस का प्रयोग देखें, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। थैंक यू।